हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। वेलकम टू माय चैनल अर्ध नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगेन एक चैनल मैसेज है और ये चैनलिंग है टॉक्सिक मदर्स के लिए। हाँ, हमारे इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स को भगवान का दर्जा मिला हुआ है, तो हो सकता है जो इस प्रोग्रामिंग को माइंड में रखकर ये चैनलिंग सुनेंगे तो शायद ही रिलेट कर पाए इस चैनलिंग से, शायद ही एक्सेप्ट कर पाए कि पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं। एंड ट्विन फ्लेम्स के साथ होता ही ऐसा है, ऐसी फैमिली में जन्म होता है उनका जो टॉक्सिक हो। हो सकता है फैमिली में से कोई एक या दो लोग उनके लिए टॉक्सिक होते हैं, या पूरी फैमिली ही कभी कभी टॉक्सिक होती है उनके लिए, जो उनकी लाइफ को झंड करके रख देते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं। तो लौटते हैं अपनी चैनलिंग पर, क्योंकि बात आज सिर्फ टॉक्सिक मदर की होगी इस वीडियो में, पूरी फैमिली की नहीं होगी। तो सबसे पहली बात कि एक टॉक्सिक मदर कभी खुद को टॉक्सिक मानती ही नहीं है, ये देखने के बावजूद कि उसका प्यारा सा बच्चा जो कि प्यारी सी डिवाइन जर्नी में है और कितना पेन में है, कितने वूंड्स उस बच्चे के अंदर पहले से ही हैं, चाइल्डहुड वूंड्स, ट्रॉमास उस बच्चे में ऑलरेडी वो उससे डील कर रहा है। ऐसे पेरेंट्स सिर्फ शारीरिक रूप से अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पर उन्हें लगता है कि वही अपने बच्चों के भाग्य विधाता है, और ये भी सोसाइटी की फॉल्स प्रोग्रामिंग के कारण होता है। और फॉल्स प्रोग्रामिंग यही है कि पेरेंट्स भगवान समान होते हैं, भगवान के बराबर होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है एक फॉल्स प्रोग्रामिंग सोसाइटी की बनाई हुई ही, जो टॉक्सिक लोग हैं ये प्रोग्रामिंग उन्होंने बनाई है। सो यहाँ मदर जो है बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप की है, रूढ़िवादी धारणाएं रखने वाली, ऐसे नियमों का पालन करने वाली जो कि सोसाइटी की डार्क साइड को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। बेसिकली टॉक्सिक मदर्स सोसाइटी की डार्क साइड को सपोर्ट करती हैं। ऐसी टॉक्सिक मदर्स को ये बात हजम ही नहीं होती है कि उसके बच्चे अपनी पसंद से शादी करें, अगर कर लेंगे तो समाज के चार लोग क्या बोलेंगे, उनकी तो हर तरफ थू थू होगी, लोग पीठ पीछे बातें करेंगे। और अगर बात आती है बेटियों पर, यानी जो डीएफ्स हैं, डिवाइन फेमिनाइंस, तो माँ होके भी ये अपनी बेटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते देख खुश नहीं है। ऐसी मदर्स का कहना है कि लड़कियों को तभी कमाना चाहिए जब परिवार पे मुसीबत आए, जब ज़रूरी हो, जब नीड हो, उसको जो करना है फैमिली के लिए ही करे। अगर उसको फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अगर अपने लिए होना चाहती है तो सही नहीं है, उसको तभी बाहर जाके कमाना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए सिर्फ फैमिली के लिए, जब फैमिली को उसकी ज़रूरत हो। हाँ, ऐसी मदर्स एक और कंडीशन रखती हैं कि बाहर जाके बेटी कितना ही कमाए, पर घर आके उसको घर के सारे काम भी करने हैं। भले बेटी 6 से 10 घंटे की ड्यूटी देके आ रही है, इन मदर्स के अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स इतने इतने डेवलप हो चुके हैं कि इनको ज़रूरी ही नहीं लगता कि ये खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ऐसी मदर्स को अब घर के कामों से भी प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसी मदर्स कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करना चाहती। ऐसी मदर्स को सिर्फ एक ही एक्टिविटी करनी है, एक ही काम इनको करना है, और वो है सास बहू वाले सीरियल देखना, जिससे इनकी जो नार्सिसिस्टिक प्रोग्रामिंग है उसको और बल मिल रहा होता है। वो प्रोग्रामिंग, नार्सिसिस्टिक प्रोग्रामिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है ऐसी मदर्स में। ऐसी मदर्स अपनी डॉटर्स को उन लड़कियों का उदाहरण देती हैं, डॉटर्स यानी यहाँ पे सिर्फ डिवाइन फेमिनाइंस की ही बात हो रही है, तो वो अपनी डॉटर्स को उदाहरण देती हैं जो उन लड़कियों का जो कुछ करती धरती नहीं है, पति के पैसों पर पल रही है। जिन लड़कियों ने शादी कर ली, घर बसा लिया, बच्चे पैदा कर लिए, और उन लड़कियों की लाइफ भी अब इन्हीं टॉक्सिक मदर्स जैसी है, जो बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकती। ऐसी मदर्स कहती हैं डॉक्टर को कि देखो अपनी सिस्टर्स को कमाने का बिल्कुल नहीं कहती, बिल्कुल उनका मन नहीं कमाने का, वो तो नहीं कहती है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। देखो पड़ोस वाली आंटी को, डॉक्टर है फिर भी घर का सारा काम खुद ही आके
करती हैं। देखो अपनी फ्रेंड्स को, बिना रोक टोक के अपने पेरेंट्स की हर बात मान लेती हैं। खुद भी टॉक्सिक मदर्स इस तरह के घटिया नियमों का शिकार हो चुकी होती हैं, क्योंकि अब वो इतने सालों से उस करप्ट प्रोग्रामिंग का शिकार हो चुकी होती है। उन्होंने वो सारी नेगेटिविटी, वो प्रोग्रामिंग एब्जॉर्ब कर ली होती है, उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो आगे चल के वो उसी डार्क सोसाइटी को, जो नियम है, ऐसे डार्क नियम है, उसी को सपोर्ट करने लग जाती हैं। और चूंकि पिछले 20 साल में ना लड़कियों को शिक्षित करवाया जाता था, पिछले 20 सालों में नहीं इतना एजुकेशन को लेके, गर्ल्स की एजुकेशन को लेके इतना ध्यान दिया जाता था, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते थे, और सोसाइटी में रहा ही पैट्रियार्की सिस्टम, तब तो लड़कियों की तब हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी कि वो ऐसी मानसिकता का, करप्ट प्रोग्रामिंग का विरोध कर सके। ऐसी मदर्स जो ऐसी करप्ट प्रोग्रामिंग के साथ सहज हो चुकी हैं, तो अब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ऐसी मदर्स दहेज प्रथा का खुल के समर्थन कर रही हैं, टिपिकल पैट्रियार्की सिस्टम का खुल के समर्थन कर रही हैं। अब वो वहाँ भी समर्थन कर रही हैं कि वंश प्रणाली अपने कुल को बढ़ाने के लिए घर में एक लड़के का जन्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टॉक्सिक मदर्स खुद अंदर से बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, और खुद महिला होके अब वो इस बात का समर्थन करती हैं कि महिलाओं का दर्जा समाज में कम रहे, निचला रहे, वुमेन एम्पावरमेंट ना हो, महिलाएं आगे और शिक्षित ना हो, आगे तरक्की उनकी ना हो, वो अपना नाम रोशन ना कर पाए, वही उनके लिए ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने डीपली ऑब्जर्व किया है कि इस जर्नी पर कुछ लोग लाख समझाने पर भी हीलिंग के पाथ को चुन नहीं पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिछले जन्मों का कुछ भी इनर वर्क किया नहीं होता है उन्होंने, जिन्होंने इसी तरह से कठपुतली बनकर समाज के अनुसार अपना जीवन जिया होता है। ऐसे लोग आपको कहते हुए भी मिल जाएंगे कि आप समाज के दायरे में रहना, समाज के अंदर रह रहे हैं, तो समाज का हिस्सा बने रहने के लिए घटिया से घटिया नियमों का भी बढ़ावा देना पड़े तो दो। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग से क्या दिख रहा है कि टॉक्सिक मदर्स अपनी जर्नी में कितनी वुंडेड रही हैं, और अब अपने अंदर का सारा वुंड, सारा ट्रॉमा वो अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट कर रही हैं, उन्हीं को दिए जा रही हैं। जो एक करप्ट लाइफ मदर को सोसाइटी से मिली है, वही करप्ट लाइफ विद डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स वो अपने बच्चों को दे रही है। और यहाँ बात उन बच्चों की हो रही है जो ट्विन फ्लेम्स हैं, या ऐसी पवित्र आत्माएं जो अलग अलग गैलेक्सीज, दूसरे प्लैनेट से आई हैं, जो एक डिवाइन पर्पस, एक बड़े मिशन पे भेजी गई हैं इस अर्थ पे। बिकॉज ऐसी डिवाइन सोल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, मतलब अपने ऑरा में वो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसी सोल्स जिनको खुद से कनेक्ट रहना पसंद है, पीसफुल सराउंडिंग्स में रहना पसंद है, सो टॉक्सिक मदर्स ये चाहती हैं कि जैसे उन्होंने उन्होंने प्रोग्राम्ड लाइफ जी है, वैसे ही उनके बच्चे भी ऐसी ही लाइफ जिए। फ्रेंड्स, ये जो चैनलिंग है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि मैं खुद इस तरह की टॉक्सिसिटी का शिकार हो रही हूँ। फ्रेंड्स, असेंशन की इस जर्नी में जो सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं, वो होते ही टॉक्सिक पेरेंट्स के द्वारा। बिकॉज इंडियन सोसाइटी में अगर कोई पेरेंट्स का विरोध करता है, कोई बच्चा अपनी आप बीती बताता है कि पेरेंट्स द्वारा उसके साथ कितना एब्यूज हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, वो बच्चा हेल्प मांग रहा होता है, और यहाँ सोसाइटी पलट के उसी को सुना रही होती कि कैसा बच्चा है, इसमें संस्कार ही नहीं है, बड़ों की इज्जत करनी इसको बिल्कुल ही नहीं आती है, माँ बाप के इतने एहसान होते हैं। सो वॉट फ्रेंड्स, अगर आपको अटेंशन चाहिए तो आपको इसी तरह के पैटर्न्स तोड़ने होंगे। सो यहाँ पे टॉक्सिक मदर ऐसा ही कुछ बोल रही है अपनी बेटी या बेटे को कि अगर तुम लोगों ने फैमिली की जनरेशनल डिस्टॉर्टेड स्टोरी
किसी को बताओगे बाहर, या मैं तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव कर रही हूँ, इतना मेंटल टॉर्चर कर रही हूँ, वो तुम बताओगे तो लोग तुम ही पर हंसेंगे, तुम ही बदनाम हो जाओगे, कोई साथ नहीं देगा, तुम्हारी बदनामी ही होगी, सिर्फ तुम्हारी। वैसे ही जैसे एक रेपिस धमकाता है, ब्लैकमेल करता है विक्टिम को कि अगर किसी को कुछ भी बताया, केस किया, तो बदनामी तुम्हारी ही होगी। सो, ये जो सारी प्रोग्रामिंग होती है फ्रेंड्स, कि पेरेंट्स को भगवान के समान होते हैं, ये सब इसलिए बनाया गया है ताकि टॉक्सिक लोगों का, उनकी टॉक्सिसिटी का पैटर्न कोई तोड़ ही ना सके, वो ऐसे ही चलता रहे सोसाइटी में। कितने ही पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों का शोषण करते हैं, हत्याएं करते हैं, बचपन से ही वो बच्चों की फॉल्स प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं कि भाई दुनिया तो है जैसी, वैसे ही चलना होगा, भले वो घटिया प्रोग्रामिंग के बेस पे चल रही है, पर चलना तो है। अपने ही बच्चों से मजदूरी करवाना, सेक्सुअली बच्चों को हैरेस करना, ऑनर किलिंग्स, ये सब हो रहा है आज के टाइम पे। तो क्या इन पेरेंट्स को भगवान का दर्जा दोगे? अब अगर इस तरह के अगर लोग हैं, खुद को पेरेंट्स हैं और खुद को बोले कि नहीं, हमें भगवान का दर्जा दो, हम तो उनके समान हैं, तो क्या आप मानोगे क्या कि वो भगवान के समान हैं? भाई, पेरेंट्स भी तो वही होंगे ना भगवान कहलाने के, जिनमें डिवाइन ट्रेट्स हों। हाँ, ऐसे पेरेंट्स भी हमारी सोसाइटी में हैं, बट बहुत कम हैं। वही पेरेंट्स भगवान के बराबर हैं, कहलाने के बराबर हैं, जिनमें डिवाइन ट्रेट्स होते हैं, जो नर्चर करते हैं, जो अपने बच्चों में डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को नर्चर करते हैं। और इंडियन सोसाइटी की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि लाइक स्ट्रेट फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से दिमाग में भर दिया जाता है कि ब्लड रिलेशंस के जरिए अगर शोषण हो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। बिकॉज अभी इंडियन सोसाइटी डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स, ओल्ड स्टेरियोटाइप्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है, रिजल्टिंग इन अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज इन अ फैमिली, लेस अंडरस्टैंडिंग्स एंड मोर फाइट्स। बिकॉज इंडियन पेरेंट्स को उन चार लोगों को खुश करने की पड़ी रहती है हर वक्त, कि चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बस उन चार लोगों के हिसाब से वो पेरेंटिंग कर रहे होते हैं अपने बच्चे की, उस हिसाब से ही अपने बच्चों की कंडीशनिंग करते हैं। इंडियन सोसाइटी अभी बिजी है बस चार लोगों को खुश करने में। यहाँ फैमिली टूट रही है तो टूटने दो, कर्मा बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की एनर्जी है किसी की भी मदर की, तो ज़रूरी है बाउंड्रीज सेट करने की। बाकी जो ड्यूटीज़ हैं आपकी उन पेरेंट्स के लिए, वो आपको पूरी करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की ये चैनलिंग यहीं तक थी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।